ला रहीकुम माई यूटी फैमिली कैसे हैं जी अब उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह ला जी अल्लाह ताला का शुक्र है हम भी ठीक हैं अल्लाह ताला सबको अपने घरों में आबाद रखे हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचें तो आपके रस्ते में भी कितनी भी मुश्किल हों वो हमेशा बहुत आसानी से हल हो जाती हैं अच्छा जी आज क्या व्लॉग स्टार्ट करते हैं इसमें मैं दो दिन की रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी कि दो दिन की रूटीन में मेरे क्या क्या मैंने किया वो सब आप लोगों से शेयर करूंगी यहाँ पर जी था दोपहर का टाइम था ये बन बन रहा था यहाँ पे बन रहे थे चिकन पुलाव बना रही थी मैं और राइस मैंने जो थे वो भिगे के रख रख दिए थे तो यहाँ पर ये देखे मैंने एक वीडियो में बोला था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब न्यू पैकेट आएगा कि हम कौन से चावल यूज़ करते हैं ये एक्स्ट्रा लौंग बासमती राइस जो हैं लैला के ये वाले हम लोग यूज़ करते हैं यकीन करें बिलीव में इतने अच्छे हैं इतने अच्छे हैं हालांकि मोस्टली चावल जो ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं बिरयानी वगैरह में उसमें सारे में ना सेला चावल जो है ना इस्तेमाल किया जाता है ताकि टूटे नहीं ख़राब ना हो और सही रहे लेकिन ये चावल इतने अच्छे हैं इतने लंबे हैं ये देखें अभी पानी के अंदर ही हैं आपको नज़र आ रहे होंगे कि अंदर से ही पता चल रहा है कि कितने कितने लंबे माशा माशा से चावल हैं इतने ये देखें अभी इसमें यानी कि कच्चे हैं चावल थोड़े से मतलब वो गले हैं जिसको कहते हैं इसके बावजूद आपको नज़र आ रहे होंगे कि कितने लॉन्ग और कितने नाइस और बिल्कुल भी नहीं मतलब टूटते वगैरह नहीं है बिल्कुल तो यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही थी मैं पुलाव बिरयानी मैंने जैसे कि बताया कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते इसलिए फिर मैं पुलाव ही बना देती हूँ चाहे मीट का बनाऊँ तो चाहे चिकन का बनाऊ अच्छा यहाँ पर जो था ये मैं लहसन रखने लगी थी मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जब दाम लगाना है तो उसके अंदर ना लहसन रखना है एक उसकी मतलब जो होती है जिसको कहते हैं कट्ठी जो होती है लहसन की और थोड़ी सी मिर्ची ऊपर रख देना ताकि वो दाम में हो जाएंगे और मैं मतलब वो खाना चाहता हूँ तो यहाँ पर जी मैंने ही रख दिया था लहसन भी रख दिया था लेकिन ये याद रखें कि लहसन की गट्टी जो होती है उसको आप अच्छी तरह एक दफ़ा पानी से धो लें साफ़ कर लें यह नहीं कि उसके ऊपर मट्टी या कुछ भी लगा हुआ ज़ाहिर आप बाहर से लेके आते हैं उन्होंने कोई धो के तो नहीं देनी तो रखी हुई होती कि वैसे ही पड़ी होती हैं जाहिर बात है वहाँ पर तो कोशिश करें कि उसको धो साफ के साफ़ सुथरा करके और उसके बाद इसको इसके अंदर रखें यह ना हो कि आपके चावलों में यानी कि मट्टी की या कुछ कुछ भी मतलब आए उसके अंदर तो यहाँ पर देख ले माशाल्लाह से हमारे चावल आपको वैसे ही नज़र आ रहे होंगे कि मिर्चों के ऊपर पड़े हुए भी कितने कितने माशाल्लाह से लंबे हैं अभी मैं इसलिए नहीं खोल रही थी इनको कि ठंडे हो जाएंगे क्योंकि अभी खाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला था इसलिए मैंने ज़्यादा इनको नहीं हिलाया था मैंने कहा चले गर्म पड़े रहेंगे क्योंकि अगर मैं इस तरह खोलूँगी तो वो ठंडे हो जाएंगे गर्म गर्म होंगे तो फिर खा लेंगे क्योंकि निशान भी गया हुआ था जिम गया हुआ था अब सामा भी आने वाला था कशब भी नहीं अभी आई थी तो मैंने कहा कि फिर मैं थोड़ी देर में ही ना इसका अच्छी तरह से दाम खोलूँगी और फिर इसको सारे को ना अच्छी तरह से हिला लूँगी अच्छा दो तीन दिनों से ना मैंने पफ पेस्ट्री ला के रखी हुई थी तो वो मैंने बनाई कोई नहीं थी थोड़ा सा चिकन ना इसी में से मैंने जब बनाया ना पुलाव इसमें से मैंने थोड़ा सा चिकन जो था ना वो मैंने बचा लिया था मैंने सोचा कि पफ पेस्ट्री ना चिकन वाली और थोड़े से आलू डाल के क्योंकि कश्यव खाने को तो उसका दिल करता है चिकन लेकिन यह इतना ज़्यादा उसे पसंद नहीं इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि उसके अंदर मैं कोई ऐसी चीज़ ऐड कर दूँ साथ ही जो कि वो खुशी से खा ले इसके लिए मैंने फिर थोड़ा सा मेरे पास ना आलू का मसाला जो था वो बना के पड़ा हुआ था जैसे घर में कोई आलू का पराठा बना रहा होता है या किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ जाती है। तो वो इस उसमें से मसाला ना थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तो यहाँ पर ये यह देख रहे हैं मैंने अदरक लहसुन और सबस मिर्चें जो थी ना वो मैंने थोड़ी आ, ग्राइंड कर ली थी आपने देखी हैं और फिर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इनको बस वही चीज़ें इसके अंदर डाली थी और यहाँ पर आपने देखिया मैंने थोड़े से नॉर्मल से मसाले डाले हैं और मसालों में सिर्फ मैंने नमक डाला था कुटी हुई मिर्चें डाली हुई थी और बस आई थिंक डालना था मैंने और कसूरी मेथी डाली थी ये दो तीन चीजें सिर्फ इसके अंदर डाली थी और ये देखे मैंने आलू का मसाला जो समोसों का मसाला होता है ना तो या पराठे का मसाला होता है आपको पता है कि वही मसाला उसमें भी यूज़ हो जाता है तो वो थोड़ा सा मसाला मैंने रखा हुआ था वो मैंने इस चिकन के अंदर ऐड कर दिया साथ मैंने डाली है। इसमें ढेर सारी चीज ताकि मज़े की जो है ना पाप पेस्ट्री का बने ये देखें पाप पेस्ट्री मैंने ले ली थी इसकी मैंने दो पीस कर लिए थे एक पीस पर मैंने सारा मसाला डाल लिया था और एक पीस में मैंने थोड़े थोड़े कट लगाए थे फिर उसके ऊपर ये देखें क्योंकि कट इसलिए आपको वाजे नहीं नजर आ रहे होंगे क्योंकि वो इतनी मतलब लाइक पेस्ट्री पाप पेस्ट्री की जो थी ना वो इतनी मतलब नरम हो गई थी कि वो प्रॉपर ना मतलब उस तरह पकड़ी नहीं जा रही थी हाथों में नहीं आ रही थी इसलिए वो थोड़े से ना इस तरह हो गए थे लेकिन पकने के बाद आपको ज़रा फील नहीं हो रही थी कि ये ऐसे हुई थी या नहीं हुई थी इतने मजे की थी अभी मैं बना ही रही थी तो ऊपर से उसामा आ गया था उसामा ने बोला मामा वाह बहुत मजे का है मैं अभी खाऊंगा थोड़ी देर अभी मैं उस वक्त वो के फिर जिम जाने लगा था फिर उसने कहा मम्मा मैं जिम से आके खाऊंगा क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है वैसे मेरा दिल बहुत कार रहा है लेकिन मैं आके खाऊंगा अच्छा ऐसे ही फिर ये माशाल्लाह से सारी खत्म हो गई थी सब ने खा ली थी जिस जिसने भी लेना था एक स्लाइस दो स्लाइस जितना भी लेना था इतनी ज्यादा तो मैंने बनाई थी ये ही पीस मैंने बनाया था इतना बड़ा नहीं बनाया था हालांकि हाफ पाफ पेस्ट्री मैंने ली थी अच्छा यहां पर आ जाती है नेक मॉर्निंग आ जाती है यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे मैंने बनाया था अपने लिए ये थे अदरक लहसन प्याज आपने देखा था अदरक लहसन और सब्ज़ मिर्चें आपने देखा था जो मैंने पीछे अभी चिकन में डाला था उसमें से मैंने ढेर सारा वो एक ही दफा मैं बना लेती हूँ फिर वो दो तीन दिन वैसे फ्रेश जो होता है ना वो नॉर्मल चल जाता है किसी भी चीज़ में आ, मतलब जो भी आप बना रहे हैं उसमें ऐड हो जाता है लेकिन क्या कि मेरे ना गले में थोड़ी सी दर्द हो रही थी तो इसी के अंदर ही मैंने थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा धनिया डाल के ना उन्हीं तीन तीनों चीज़ों में तो ये मैं अपने लिए बना रही थी बड़े अरसे के बाद पराठा मैंने कहा चले आज मैं पराठा और चाय आप लोगों को मैं बताती हूँ कि मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती मैंने छोड़ी हुई है तो मैं कॉफ़ी पीती हूँ लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि चाय पीती हूँ साथ मैंने अच्छी सी मसाले वाली चाय बनाई और साथ ही मैंने ये बनाया मसाले वाला पराठा वाह बहुत ही मज़े का लगा यकीन करें गले में मेरे इतना सुकून आ गया मुझे खा के ना जैसे मैंने पता नहीं बड़े ही सदियों के बाद कोई चीज़ खाई है तो बहुत ही मज़े का बना था तो ये मेरा आज का नाश्ता था मैंने ये नाश्ता किया था बाकी सब ने बच्चों को आपको पता है कि अपनी अपनी मर्जी से सारे नाश्ता करते हैं उसामा स्पेशली अंडे वगैरह लेता है जीशान ज़्यादातर ब्रेड लेता है और हनी के साथ वो शहद के साथ लेता है और साथ दूध का गिलास लेता है और यहाँ पर यह देखें किस किस के बच्चे चाहे बड़े भी हो जाए तो वो छील के खाते हैं फ्रूट यहाँ पर मैं जीशान को जाना छील के दे रही थी एप्पल क्योंकि बगैर छीले वो अभी तक नहीं खाता तो कुछ बच्चे होते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वैसे ही खाने लग जाते हैं लेकिन मैंने कई लोगों को देखा कि वाकई वो छीले बगैर खाते ही नहीं अच्छा इधर लंच में बना रही थी मैं बच्चों के लिए चिकन और दाल उनका फेवरेट होता है हमेशा इनको अच्छी लगती है चिकन और दाल मैंने कहा चले मैं उनके लिए चिकन और दाल बनाती हूँ तो बहुत ही मजे की बनी थी बच्चों ने तो बड़े ही शौक से खाई माशाल्लाह से उनके यहाँ पे तैयार हो चुकी थी अभी धनिया वगैरह मैंने डाला था और उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ी देर के लिए बाहर पार्क में आप देख रहे हैं पार्क में इतना अच्छा वेदर यकीन करे बना हुआ था ना मैंने कहा चलो जाती हूँ एक ना राउंड लगाती हूँ क्योंकि पास होने का मैं कहती हूँ ये बहुत बड़ा बंदा ब्लेस होता है कि अगर आपके पास ना कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप जा सकते हो आप वॉक कर सकते हो आप जाहरी बात है वहाँ पे फ़्रेश एयर में बाहर घूम सकते हो जैसा कि आपको पता है यहाँ यूके में तो ऐसे घर होते हैं बस घरों के अंदर ही ज़्यादातर जैसे ही अब सर्दी सितंबर से, से, आना है, जैसे ही सर्दी शुरू होनी है ना बस बाहर निकलना यकीन करें किसी का भी दिल नहीं करता कि बाहर निकले घर में गर्म गर्म है घर तो बस घर ही रहो पाकिस्तान में जैसे बड़े बड़े घर होते हैं कमरे इतने इतने बड़े होते हैं बरामदे ही आपके इतने इतने बड़े होते हैं कि आपके चलते फिरते इतनी ज़्यादा वाक हो जाती है तो यहाँ पे छोटे छोटे घर होते हैं तो आप घरों के अंदर ही रहते हैं तो मैंने सोचा कि एक जाती हूँ एक राउंड अच्छा उसके बाद मेरा ये लंच था मैंने सिर्फ़ अपने लिए रैप बनाया था चिकन रैप बनाया था तो चिकन मैं अक्सर मैरिनेट करके रखती हूँ और जब भी कोई चीज़ बनानी होती है स्पेशली कश्य के लिए रखती हूँ क्योंकि कश्यफ इतना ज़्यादा खाती नहीं है इसलिए फिर अक्सर रखती हूँ ताकि वो इस बहाने से कुछ ना कुछ खा ले इस तरह रैप वगैरह वो भी खा लेती है वो तो खैर कुछ और अपने लंच में लेके गई थी लेकिन ये मैंने अपने लिए बनाया था रैप और बहुत ही मज़े का था चिकन वाला था बहुत ही मज़े का था और साथ में मैंने थोड़े से फ्राइज़ लिए थे और ये मेरा लंच था सारा अच्छा कई दफा मैं आप लोगों को कह रही होती हूँ कि मैंने आपको फलां चीज दिखानी है मैं कपड़े लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी <laughs> तो कई दफा मैं आके फिर भूल जाती हूँ अपने कामों में बंदा बिजी हो जाता है और फिर भूल जाता है लेकिन अब मैंने सोचा कि ये मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि मैं बी में गई थी तो कुछ मेकअप की चीज़ें वगैरह मैंने लेनी थी वहाँ से लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं मैं वहाँ से एक जो है ना हैंड ब्लेंडर लेके आई हूँ जो थ्री इन वन है मैंने कहा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो आज मैंने सोचा कि चले मैं ना आज लाजमी मैंने ना आज तो दिखा के आप लोगों को छोड़ती और मैंने कहा चले मैं खोलती हूँ और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो मेरे पास पहले भी है लेकिन ये है कि ये छोटे वाला है और ये ईजी टू कैरी जिसको कहते हैं ना वो होता है कि ईजी होता है बिल्कुल आप इसको ईजीली यूज़ कर सकते हो तो इसको मैंने ना मैंने सोचा कि लेके जाती हूँ मुझे ये बड़ा अच्छा लगा और भी कोई एक औरत मैं देख रही थी वो लेके जा रही थी क्योंकि ये बहुत ही नाइस लग रहा था तो मैंने कहा मैं भी ये लेती हूँ ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ इतने अच्छा था मैंने अब मैं वॉइस ओवर तो जाहिर बाद में कर रही हूँ मैंने निकाल के देखा था इतना मजबूत और इतना अच्छा स्टेनलेस स्टील में आप देख रहे हैं कि कितने यानी कि अच्छी क्वालिटी का लग रहा है टावर क्वालिटी है कोई ये ब्रांड है सॉरी तो उसका है ये तो लेकिन बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा मुझे इतना लग नहीं रहा था कि शायद इतना अच्छा होगा लेकिन ये सच में बहुत अच्छा था आप देख रहे हैं कि कितनी क्वालिटी इसकी अच्छी लग रही है बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये देखें आपके का हर काम में किचन में ना मैं कहती हूँ कि ये ज़रूर होना चाहिए आपके पास मेरे पास है लेकिन वो थोड़ा बड़े साइज़ में है सारी चीज़ें उसके साथ लेकिन मैंने मुझे ये चाहिए था मैंने काफ़ी अर्चे से मैं देख रही थी मैं कह रही थी कि मैंने ये लेना है तो ये आपके बहुत से कामों को आसान बना देता है ये देखें इसकी वारंटी भी है एक साल की इसकी वारंटी भी है इसके साथ और साथ में इसका सारा जो है ना जिस तरह जिस तरह इसको आप लोगों ने मतलब किसके साथ किसको कैसे उसको मतलब उसके साथ जोड़ना है उसके साथ उसके सारे नंबर दिए हुए हैं उसके ऊपर लिखे हुए हैं कि किसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है वो सारा उसका लिखा हुआ है और आपको यानी कि ईजी टू यूज़ होता है क्योंकि अगर आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शनस हैं तो आप ईजी से तरीके से उसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि वरना अगर ये ना हो तो फिर थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाता है कभी कभी कि इसको कैसे जोड़ना है कभी कभी नहीं भी पता चलता एक चीज़ थी मुझे उसमें से पता भी नहीं चल रहा था कि वो पहले उसके साथ जोड़ेगी और फिर वो लगेगी कभी कभी ऐसे भी होता है और फर्स्ट टाइम जब आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं फिर आप उसको अच्छी तरह पहले चेक करते हैं देखते हैं तो फिर ये आपको समझ आती है तो यहाँ पर ये यह देख ले सारी चीज़ें मैंने कहा इस तरह तो स्लो स्लो में मैंने वीडियो रखी तो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो ये देखें ये सारी चीज़ें जो मतलब थी ना बहुत ही मतलब इजी थी यूज़ करने में भी इजी थी और ये देखने में तो यकीन करें बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की लग रही थी यकीन करें ये देखें उसके नीचे वाला जो है उसके अंदर आप कोई भी प्याज कुछ भी जो भी डालते हैं और ब्लेड इतने कितना तेज़ लग रहे थे बहुत ही तेज़ लग रहे थे और ये देखें ये जो है अंडा वगैरह या कुछ भी आप जो मिक्स करना चाहते हैं क्रीम वगैरह मिक्स करना चाहते हैं इसके साथ सारा कुछ सारी चीज़ों के लिए मैं कहती थी

हर चीज़ अपना यानी कि इजी है जिनके पास है उनको तो जाहिर बात है पता होगा मैंने तो वैसे तो मैंने देखी हुई भी है और यूज मेरे पास मैंने बोला कि मेरे पास दूसरी है लेकिन ये वाली मैंने लेनी थी मुझे अच्छी लग रही थी तो ये वाली मैंने ले ली वेरी नाइस बहुत अच्छी है जिनके पास नहीं है वो भी लें किचन के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अच्छा ये वाली मैं आप लोगों को पहले मैंने आपको पैन दिखाया था जो मैंने टिकटॉक से ऑर्डर किया था और उसके साथ ही ये मैंने जूसर भी ऑर्डर किया था तो आप बिलीव में आप यकीन करें मैंने आप लोगों को आधा के कि मैं अनार का जूस आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे बनता है इसके अंदर तो अनार अनार मैंने हर शॉप से पता कर लिए थे अनार इतने दिनों से ऐसे लग रहा था कि सारी शॉप्स में अनार ही खत्म हो गए हैं वरना इतने अनार पड़े होते थे जगह 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 इतने जगह अनार पड़े हुए होते थे तो फाइनली एक अनार पड़ा हुआ था घर में अब आया हुआ था तो मैंने कहा चले मैं आज ना ये देखे कितना खूबसूरत कितना इसका कलर खूबसूरत है मैंने कहा चले आपको ना इस जूसर का भी मैं आज, आज आप लोगों को रिव्यू दे ही दूँ कैसा है क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इसमें भी यूज़ करने लगी हूँ तो ऐरी बात है मैं पहले बना चुकी हूँ तो बड़ा ही अच्छा इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगी क्योंकि इतना ईज़ी था यकीन करें बहुत ईज़ी था लेकिन ये होता है कि अनार को जब आपने काटना है दो हिस्सों में अगर उसके ऊपर वगैरह जो बाहर की तरफ उसकी वो बनी हुई होती है जैसे वो गुठली सी बाहर की तरफ होती है उसको एक्स्ट्रा को काट दें क्योंकि अब आप इसका ढक्कन जब बंद कर देंगे तो फिर ईजी होगा आपको हाथ नहीं ऊपर रखना पड़ेगा वन ये होता है कि अगर वो आपका ये इसका हिस्सा क्योंकि हम इस अनार को दो हिस्सों में काटेंगे आपको इसकी लेफ़्ट साइड पर वो नज़र आ रही राइट साइड पर आपको नज़र बाहर की तरफ अनार का जो जैसे वो जड़ से उतारा हुआ होता है वहां से तो वो उसकी नजर आ रही है बेहतर होता है कि उसको आप पहले ही काट दें क्योंकि वो फिर जब आप अंदर डालते हैं ना तो फिर वो जरा ऊंचा ऊंचा होता है और उसका ढक्कन जो है ना वो अच्छी तरह बंद नहीं होगा तो अगर आप उसका ढक्कन बंद कर लेंगे ना यकीन करें ये देखें जितना ढक्कन है जाहिर बात है आप उतना ही अंदर उसके अंदर चीज़ आएगी ना एप्पल का निकालें माल्टे का निकालें आप जिस मर्जी का निकालें बड़ी आसानी से निकल आता है मुझे ज्यादातर अनार का था क्योंकि मैंने अनार का रिव्यू देखा था टी वी तो मैंने सोचा कि मैं जो है ना वीडियो में तो मैंने सोचा कि मैं पहले अनार का ही निकाल के देखूंगी तब मुझे पता चलेगा ये देखें मैंने उसके अंदर रखा है पीस और अब पीस इतना है कि वो बिल्कुल उसके अंदर यानी कि फिर फिक्स हो गया है क्योंकि उसके अंदर एक मतलब जैसे नीडल सी होती है वो बनी हुई है उसके अंदर उसको हमने फ़िक्स कर देना है और इसको हमने ऊपर से बंद कर देना है अब हम जब इसको चलाएंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है यानी कि उसको जो है ना मतलब ऊपर से ना हाथ रखने की इतनी ज़रूरत नहीं होगी तो इसकी साइड पर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं ये तो मैंने वैसे हाथ रखा है वैसे जरूरत नहीं होती ये देखें इसके साइड पर जो है यहाँ पर उसके जूस निकालने के लिए जहां से आपने जूस निकालना है उसको पहले अच्छी तरह से बंद कर ले मेरी तरह ना करें जिस तरह के मैंने उसको हल्का सा लूज किया हुआ था तो वो निकल रहा था जूस देखें कैसे आराम से निकल आया आपको नजर भी आ रहा होगा था और वो अंदर खुद बखुद चाह रहा देख ले मैंने हाथ नहीं रखा हुआ यानी कि ढक्कन को आप इस तरह फिक्स कर दें चीज़ अंदर ज़ाहिर नहीं बात है कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के साथ करेंगे तो वो फिर वर्क नहीं करेगी लेकिन आप उसके अंदर चीज़ उतनी डालें जो कि अंदर अच्छी तरह उसके अंदर फिक्स हो जाएगी देखिए उसके अंदर मैंने डाला है वो आराम से उसके अंदर फ़िक्स हो गया और मैं हैरान थी मैंने उठाने वीडियो जब बना रही थी मैंने समझा शायद अंदर कुछ लगा हुआ ना हो लेकिन मुझे खुद भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये इतना क्लीन और इतना साफ़ हो गया था और सारा अनार का जूस जो था ना माशाला से निकल आया था मैं तो रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर लें बड़ी अच्छी है आराम से और चार्ज करना होता है इसको तो चार्ज करने के बाद अब बच्चों के लिए जैसे इमरजेंसी या बुज़ुर्गों के लिए जूस वगैरह बनाना होता है या अपने लिए भी बनाना होता है तो बहुत ईजी होता है आप चार्ज कर लें इसको और अपना जितना मर्जी आराम से जिस चीज़ का आपने जूस निकालना है उसका निकालें तो बस मैंने आपको अनार का ही दिखाया था क्योंकि वैसे तो मैं एप्पल का भी बना सकती थी औरेंज भी पड़े हुए थे लेकिन मैंने कहा चले मैंने आप लोगों को रिव्यू देना मैं इसका रिव्यू दे देती हूँ तो मैंने इसका भी रिव्यू दे दिया आपको वो भी दिखा दिया तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं मेक शोर कर लिया करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें यहाँ पर ये यह देखें वो ऊंचा था उसका हिस्सा जो मैं अनार का आपको बता रही थी इसलिए मुझे हाथ रखना पड़ रहा था अगर आप उसके अंदर फिक्स कर देंगे उसको इतनी साइज़ का लेंगे तो फिर वो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी आराम से आपका ना जूस निकल आएगा तो मैं कह रही थी किस जिस जिसने ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो भी मेरे बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे होते हैं प्लीज मैं एक शो कर लिया करें पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अच्छा सा कॉमेंट कर दिया करें दूसरों को शेयर भी कर दिया करें जी तो यहाँ पर देख लें अब हमारा जूस भी निकल आया है और इसको साफ़ करना भी बिल्कुल ईजी आ गया आप देखें कि कितना इसको साफ़ करना ईज़ी है बिल्कुल आप जिस चीज़ का भी जूस निकालना चाहें आराम से जूस निकाल लें और फिर उसको बाद में उसका ढक्कन निकालें और उसके अंदर जिसके अंदर हमने फ़िक्स किया था अनार को या एप्पल को या ऑरेंज को हम फिक्स करेंगे ये जो ऊपर जिसके अंदर सारे इसके सारे सीड वग़ैरह अंदर रह गए हैं वो आराम से आप उठा सकते हैं वहाँ से उठाने के बाद उसको आराम से साफ़ कर सकते हैं धो सकते हैं अंदर उसके भी पानी डाल के उसको आराम से साफ़ कर सकते हैं और बिल्कुल ईजी है तो ठीक है मुझे अपनी दुआओं में याद रखें इन शाला तै मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी जो लोग दूसरों के लिए आसानियाँ फ्राहम करते हैं अल्लाह ताला उनके रस्ते की भी सारी जो है रुकावटें सारी तकलीफ़ें सब खत्म कर देते हैं तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए ओके बाय अल्लाह हाफिज़